आज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा का समारोह है। इसके उपलक्ष्य पर इस 2018 में दिए हुए व्यास पूजा के प्रवचन का अनुवाद करने का एक प्रयास यहाँ पे किया गया है। इसका स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितम् त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायकाक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदां भोजो राधा मदन मोहन। दिव्वद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठलिभि सेव्यमान स्मरामि। श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षन वेणु सनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधार शिवाशाली गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। I generally try to avoid this Vyas Puja. This morning also I was talking about that. That my understanding or my feeling is that let all the worship go to Srila Prabhupada. मैं खास करके चाहता हूँ कि व्यास पूजा मेरी न हो। मैं आज सुबह भी इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे इसको न किया जाए, क्योंकि मेरा यह सोचना है कि सब जो पूजा है, जो व्यास पूजा की जो विधि है, वो श्रील प्रभुपाद को जाए। When you all were chanting Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, I was also chanting Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. And I had a wonderful feeling that you all were chanting this Jai Guru Deva, addressing Srila Prabhupada. तो जब आप जय गुरुदेव ऐसा घोष कर रहे थे, तब मैं भी जय गुरुदेव कर रहा था, और मैं सोच रहा था कितना अच्छा है कि आप सब लोग श्रील प्रभुपाद का इतना अच्छा गुणगान कर रहे हैं, वो घोष कर रहे हैं। Just as by watering the root of the whole tree gets nourished. By worshipping Srila Prabhupada, everyone will feel happy in ISKCON. जैसे कि पेड़ को पेड़ के मूल में जब पानी डाला जाता है तब पेड़ पूरा संतुष्ट होता है, उसी तरह जब श्रील प्रभुपाद की पूजा सब लोग करेंगे ISKCON में, तब सब संतुष्ट हो जाएंगे। Anyway, so I am here accepting the Vyas Puja. In a way, I have been compelled. Not only by my disciples to accept this occasion of worship. Even some of my god brothers also persuaded that I should take. तो यहाँ पे अभी मैं व्यास पूजा के लिए बैठा हुआ हूँ, हालांकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बहुत सारे मेरे बहुत सारे शिष्यों ने मुझे प्रेरित किया, और मेरे गुरु बंधुओं ने भी मुझे बहुत फोर्स किया, इसके लिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। And yes, by being persuaded by them, I am accepting it. But actually, our role is to be the via medium. Via medium, through the medium. When everything passes through the medium, then it is a via medium. तो वास्तविक रूप में हमारा रोल जो है वो वाया मीडियम की तरह होना चाहिए, मतलब हमसे सब कुछ आगे की ओर कृष्ण की ओर जाना चाहिए, प्रभुपाद की ओर जाना चाहिए। But when it doesn't pass through, then it's not medium. The electric current passes through copper cable, it's a medium. But if there is an electric if there is a wooden rod connected to the source of electricity, the electricity won't pass through the wood, and the wood will not be considered as via medium. जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, कॉपर की तार होती है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन वही चीज हम देखते हैं कि अगर लकड़ी का रॉड हो तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, इसलिए उसे वाया मीडियम नहीं कहा जा सकता। So via medium means that passes through. So, in our spiritual context, our role is to become not only the via medium, but transparent via medium. तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो हमारा रोल केवल via medium बनना नहीं है, बल्कि एक पारदर्शिक via medium बनना है. Transparent. What is the meaning of the word transparent?
when light completely passes through, that is transparent. When some light passes through, but some other light doesn't pass through, some rays pass through, but others not, then it is not transparent. Then it is translucent. And when no light passes through, then it is opaque. तो पारदर्शी मतलब क्या कि जब पूरा प्रकाश यहां से वहां जाता है तो उसे पूरा पारदर्शी कहा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा ही प्रकाश जाता है तो उसे ट्रांसल्यूसेंट, ऐसा इंग्लिश में शब्द है, वो कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रकाश नहीं जाता तो वो ओपेक है, तो हमें ट्रांसपेरेंट यानी कि पूरा पारदर्शी बनना है। So here we are supposed to be transparent. That means nothing should stop. Everything should be offered to our Guru, Srila Prabhupada. Whatever we do should be exclusively for Srila Prabhupada. Whatever we get should be exclusively for Srila Prabhupada. तो इसीलिए हमें पारदर्शी बनना है और जो भी हम कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद के लिए करना है, जो भी हमें मिलता है वो श्रील प्रभुपाद को अर्पण करना है। And once when god brother of Srila Prabhupada, Srila Sridhar Maharaj, gave a very beautiful understanding of the role of being a guru, he gave the understanding that the role of a guru in a sampradaya is not to just be transparent, but become like a lens. A lens has to be transparent, but something more. तो हमारे गुरु बंधु श्रीधर स्वामी महाराज वो कहते हैं, ये गुरु के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि गुरु को केवल पारदर्शी ही नहीं बनना है, बल्कि लेंस की तरह बनना है, यानी कि ताल लेंस की तरह। तो लेंस में केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि कुछ और भी होता है। What does the lens do? It brings a distant object closer. So actually the guru's role is not to be just transparent by a medium, but like a lens. The distant object should be brought close together, but brought close. Like say for example, तो लेंस का कार्य होता है कि दूर का चीज वो पास में लाता है। तो उसी तरह गुरु केवल पारदर्शी नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु दूर के वस्तु को पास में भी लाके देना चाहिए। Srila Prabhupada is far away from you all. You haven't seen Prabhupada, most of you. So Prabhupada is far away, Prabhupada is distant. Now being between you and Srila Prabhupada, my role is to bring Prabhupada closer to you. That is the role of a guru. So, आप लोगों ने प्रभुपाद को देखा नहीं है, तो इसलिए आपको प्रभुपाद क्यों है ये समझने के लिए मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको प्रभुपाद के पास लेके जाऊं। And now if you look at this context, then you can see a telescope. You know what a telescope is? Telescope has a set of lenses. The more the lens, the more powerful the telescope. So much so that a powerful telescope can make us see a distant star. So powerful. तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो एक टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप उसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, तो उसके कारण बहुत दूर का जो सितारा हो वो भी उसमें से दिख जाता है। So in our spiritual context, more these lenses we have, better it is for us. The more lenses means more spiritual personalities to perceive Krishna. And that is our disciplic succession. There arose series of acharyas, series of gurus. And what they are doing, are they obscuring our vision or they are enhancing our vision?
तो ये जितने सारे लेंस होंगे टेलीस्कोप में उतना ही बेहतर होगा। तो ये लेंस मतलब क्या है? तो हमारे गुरु परंपरा में आने वाले अनेक गुरुजन, तो जितने ज्यादा गुरु होंगे उतना ज्यादा हमारा दृष्टि अच्छा होएगा। When you read Srila Prabhupada's books, what do we get? Srila Prabhupada is giving, in his purport, Srila Prabhupada is giving the conclusion of all our acharyas in our sampradaya. Their conclusion is presented. And the result is, Krishna has become so close. तो श्रील प्रभुपाद के हम ग्रंथ पढ़ते तो क्या होता है, श्रील प्रभुपाद ने सभी आचार्यों के निचोड़ करके हमें प्रस्तुत किया है और इसके कारण कृष्ण हमें पास में दिखते हैं। Although Krishna is so far away, there is no way we can see Krishna. With our mundane eyes, we won't be able to see Krishna. But through the teachings of our acharyas, Krishna becomes so close. हालांकि कृष्ण इतने दूर है कि हम उनको नहीं देख सकेंगे, लेकिन हमारे आचार्यों की कृपा से हम उनको देख पा रहे हैं। So this is the important thing that we have to understand when we assume the role of a spiritual master, that our business is first to become transparent. तो ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए जब हम गुरु का पद स्वीकार करते हैं कि हमें एक पारदर्शी बनना चाहिए। And that means everything should pass through. Whatever you are offering, my business is to offer that to Srila Prabhupada. तो इसलिए आप जो भी मुझे अर्पण कर रहे हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद को अर्पण करूं। And in exchange, I am giving you Srila Prabhupada. Or at least I can say I'm trying to give you all Srila Prabhupada. और उसके बदले में मैं आपको श्रील प्रभुपाद देने का प्रयास कर रहा हूँ। When we think about Srila Prabhupada, we can see that what an amazing personality Srila Prabhupada is, and what an amazing achievement Srila Prabhupada had. जब हम देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद कितने इसमें कारक व्यक्तिमत्व है, ये हमें समझ में आता है। The other day, I was in America, and there are some important people that I came across from Canada. They're very important persons, very successful individuals, quite young. They were in the mid-30s, but very successful individuals. तो मैं हाल ही में कुछ लोगों के साथ मिला था, तरुण युवक थे, बहुत यशस्वी थे बिजनेस में, कनाडा से थे। And I was telling them about Srila Prabhupada's achievement at the age, first thing. At the age of 70, Srila Prabhupada came to America. When Srila Prabhupada went to America, he didn't know anybody there. And on top of everything, Prabhupada didn't have any money with him. तो मैं उनको बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अमेरिका आए। अमेरिका में आके उनके पास किसको मिलना है पता नहीं था, और उसके साथ साथ उनके पास पैसा भी नहीं था। And right at that point, they actually exclaimed, "Wow! What an adventurous personality." I mean, at the age of 70, goes to America without knowing anybody and without money. तो ये सुनते ही तुरंत उन्होंने सोचा, कहा कि अरे कितना ये अलग प्रकार का कार्य किया इन स्वामी जी ने, कि 70 वर्ष की आयु में किसी को जानते हुए, बिना जानते हुए, बिना पैसे के अमेरिका चले गए। This personality had. And then as I started to explain what Srila Prabhupada achieved and how Srila Prabhupada achieved. वो सोच रहे थे कि कितने शौर्यवान ये व्यक्ति में थे, तो फिर मैं उनको और बताने लगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया है। A single man in the city of New York, just convinced completely about the statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted 500 years ago that this Krishna consciousness movement is going to spread throughout the world in every town and village. अकेला आदमी चैतन्य महाप्रभु की वाणी के ऊपर विश्वास रखते हुए वहां पे गया, और चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पूर्व ही यह भाकित किया था
पृथ्वी त्या चेतन कराति ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम, हर ग्राम में और नगर में मेरा नाम का प्रचार होगा। That was his source of inspiration and conviction. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, and his words are not going to go in vain. यही उनकी दृढ़ता थी और श्रद्धा थी कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी कभी विफल नहीं होगी। The words of the supreme personality of Godhead must happen, must become a reality. It is with that conviction Srila Prabhupada actually went, and then we started to see how it started to unfold. Srila Prabhupada alone with a kartal sitting under a tree in Tompkins Square Park chanting Hare Krishna. तो हम देखते हैं कि इस बात के ऊपर विश्वास रखते हुए श्री प्रभुपाद जी टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे बैठ के अकेले करताल लिए हुए हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। What a courage, 70-year-old man in totally unknown atmosphere chanting Hare Krishna. अकेला आदमी ऐसे जगह पे हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है, ये कितना शौर्यवान बात की बात है। Person like that in India would be considered a beggar. Only we see that the beggars do that. Chant Hare Krishna to get certain donation. भारत में अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो उसको भिखारी माना जाता है कि वो हरे कृष्णा कीर्तन करके कुछ पैसों की मांग कर रहा हो। But the scene in America was different. People gathered around, oh, a new sight. They have never seen a thing like that before. An Indian person, old Indian person sitting there and singing so beautifully. लेकिन अमेरिका में कुछ अलग बात थी। एक अकेला आदमी, बूढ़ा आदमी, बहुत मधुरता से इस प्रकार का कीर्तन कर रहा है, वो सबको आकर्षित कर रहे थे। And one thing with the Americans, they love music. They love music. So they gathered around. And then what did Srila Prabhupada do? Did Srila Prabhupada tell them, can you please give me $1 or $2 as donation? No. You know what Prabhupada said? Not at that time, Prabhupada, I'll come to that, like Prabhupada started to give the knowledge. What is this chanting? This is mantra. This sound is not a sound of this world. This sound is coming from the spiritual world. And this sound is meant to purify everything. Purify the individual's heart and to purify the entire atmosphere. So Srila Prabhupada ji ne jab ek ye sare logon American logon ko dekha jo ki म्यूजिक में बहुत रुचि रखते थे, तो वो पास में इकट्ठा हुए, और उसके बाद क्या श्रील प्रभुपाद जी ने उनको डॉलर मांगा? नहीं, श्रील प्रभुपाद उन्हें ज्ञान देने लगे कि ये जो महामंत्र है वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। As far as the sound of this chanting will go, the whole atmosphere will become purified. जितना इस दिव्य ध्वनि का प्रसार होगा उतना ही सब चीज शुद्ध होगा। And those who chant, their hearts will become purified. और जो इसका उच्चारण करेंगे उनका हृदय शुद्ध होगा। And they responded. Some people became interested. And Prabhupada by that time had a small little storefront. And Prabhupada invited them, come. तो उसमें से कुछ लोग रुचि रखने लगे और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको अपने एक सेंटर में बुलाया। A small little shop that has been turned into a place for preaching. That also with the help of some young Americans that Prabhupada got that place. तो वो उन्होंने उनको इस दुकान में बुलाया जहाँ पे उन्होंने एक छोटा सेंटर बना के रखा था, जो कि उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर ये सब कार्य किया था। And they came and Prabhupada started to teach Bhagavad Gita. And many of them admitted afterwards to me that they were not interested in Bhagavad Gita. They didn't go to those sessions to listen to the instructions or wisdom of Bhagavad Gita. They went there to make music with Swami. So, बहुत सारे लोग ऐसा करके उधर गए और श्रील प्रभुपाद जी ने उनके भगवत गीता सिखाना शुरू किया। तो आगे चलकर मुझे बहुत सारे भक्तों ने बताया कि हम वहाँ पे भगवत गीता सुनने या सीखने के लिए नहीं गए, बल्कि हमें संगीत में रुचि थी, इसलिए हम स्वामी जी के साथ गए।
Their interest was just the music. And they started to come and they would also sing with Srila Prabhupada. And they started to bring their instruments. Some came with guitar, some came with their electric bongo, some came with clarinets. तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने अपने भी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आने लगा और स्वामी जी के साथ कीर्तन में भाग सहभाग लेने लगा. And other such musical instruments. And they would make music. And then Prabhupada would speak. They didn't understand the wisdom of Bhagavad Gita. But something was very appealing to this personality. They saw that this personality is extremely sincere. This personality is the real well-wisher. And then after the class, Srila Prabhupada would cut some apples into small pieces and give them. तो वो लोग केवल इस प्रकार से संगीत में सहभाग के लिए आते थे और उन्हें प्रभुपाद को देखकर एक लगता था कि ये एक असली व्यक्ति है, असली साधु है. और श्रील प्रभुपाद जी भी प्रवचन के बाद उन सबको कुछ फल काट कर देते थे. That's Prashad. So that's how he started Krishna consciousness movement. And the first lecture that Prabhupada gave in America, a public lecture, you know what was Prabhupada's opening statement? What did Prabhupada say? So, जब श्रील प्रभुपाद जी ने पहला प्रवचन दिया, पब्लिक प्रवचन, तब श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा आपको पता है? At the beginning, Prabhupada's statement was, I haven't come here to teach anything new to you. I haven't come here to teach anything new to you. I have come here to remind you about something that you have forgotten. Srila Prabhupada ji ne kaha, main yahan pe aapko kuch bhi naya cheez dene ke liye nahi aa raha hu, balki jo aap bhul chuke hain usko yaad dilane aa raha hu. See what an amazing approach. What an amazing vision. Srila Prabhupada was not thinking that you do not know and I have to tell you, I have to teach you. Prabhupada's statement was that I have come here to remind you of something that you have forgotten. See, look at Prabhupada's vision. So, देखिए प्रभुपाद जी की क्या दृष्टि है. वो ऐसा नहीं बताया देखिए मैं कुछ बड़ा चढ़ा स्वामी हूँ, मैं अभी आपको कुछ सिखाने आया हूँ, इस प्रकार का भाव नहीं था. बल्कि वो यही बात कह रहे थे कि जो आप भूल चुके हो उसको मैं याद दिलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ. You are a spirit soul. You are part and parcel of Krishna. You are with Krishna, but you have forgotten Krishna. आप आत्मा हो, आप कृष्ण के अंश हो, आप कृष्ण के साथ हो, लेकिन आप कृष्ण को भूल चुके हो. I simply have come here to remind you, Krishna, who is your dearmost object, the most lovable object, who is there in your heart. Who is there to take care of you in all respects? इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद दिलाने आ रहा हूँ कि कृष्ण बड़े प्रेम दयालु और कृपालु है. वो आपके हृदय में है और आपका देखभाल करने के लिए हमेशा आपके साथ है. Anyway, so this is how Srila Prabhupada started this movement in America. These young boys and girls became attracted to Srila Prabhupada. And they started to come closer, getting closer and closer and closer to Srila Prabhupada. So, इस तरह Srila Prabhupada जी ने अमेरिका में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की और धीरे धीरे ये तरुण युवक और युवतियां आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे इसका प्रचार बढ़ने लगा. Some of the boys didn't want to go anywhere. They wanted to be with Prabhupada all the time. But Prabhupada had just a small little apartment and the storefront in the front. And they should be sleep in the storefront. उन सबको प्रभुपाद को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं था. हालांकि वहां पे रहने के लिए ठीक से जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उधर ही रहना चाहते थे. And they moved in there. These Americans are coming from very, very wealthy background. They had their very comfortable homes, but they moved into this very austere
फर्स्ट आश्रम ऑफ इस्कॉन। तो हालांकि ये सब बच्चे युवक युवतियां बड़े बड़े अमीर घर से थे, लेकिन फिर भी इतने से छोटी जगह पर रहने के लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, वो तुरंत इस नए आश्रम में रहने लगे। A little storefront. Fortunately, that had one bathroom, but no shower. They used to go for a shower to a public area to take shower. तो वहाँ पे ठीक से टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा नहीं थी, बाथरूम जाने के लिए सामने कहीं और जाना पड़ता था। And this is how they became attracted to Srila Prabhupada. And not only became attracted, they were just prepared to give everything to Srila Prabhupada. और इस तरह श्रील प्रभुपाद को प्रति आकर्षित हुए, केवल आकर्षित नहीं बल्कि वो सब कुछ देने के लिए नौचार करने के लिए तैयार हुए। And this is how Srila Prabhupada started it in New York. Then Srila Prabhupada sent some of his disciples to San Francisco to start it there. And yes, and that was then, from then onwards, it was a history. फिर इस प्रकार से न्यूयॉर्क में शुरुआत हुआ और तत्पश्चात श्री प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में अपने भक्तों को भेजा और जो भी हम देखते हैं उसके आगे हुआ वो एक अभी इतिहास बन चुका है। हरे कृष्ण एक्सप्लोशन। One newspaper article came in, one San Francisco newspapers. The Hare Krishna explosion. Explosion? And it just creates, their point was that this Hare Krishna movement is growing in such a way that it looked like an explosion. तो सैन फ्रांसिस्को के न्यूज़पेपर में आया था कि हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, मतलब हरे कृष्णा आंदोलन इतना बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो एक एक्सप्लोजन के समान है। हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। एंड देन इट स्टार्टेड टू स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका, डिफरेंट सिटीज, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस, एन आर्बर, मिशिगन, शिकागो। फिर अलग अलग जगह पे बढ़ने लगा, लॉस एंजेलिस, मिशिगन, शिकागो इत्यादि, डिट्रॉइट, टोरंटो, मॉन्ट्रियल। एंड देन थ्री कपल्स वांटेड टू गो टू लंदन टू स्टार्ट देयर एंड दे आल्सो वांटेड टू फॉलो श्रील प्रभुपाद फुटस्टेप्स जस्ट एज प्रभुपाद केम टू अमेरिका विदाउट एनी रिसोर्सेज दे आल्सो वेंचर्ड टू गो टू लंदन विदाउट रिसोर्सेज। तो उसके बाद तीन दाम्पत्य जो है वो लंदन चले गए प्रचार करने के लिए और वो जिस तरह के श्रील प्रभुपाद अमेरिका आए थे उसी तरह वो भी तीनों लोग बिना कुछ सहायता के, बिना कुछ धन के, बिना किसी के मिलते जुलते ऐसे ही चले गए। They didn't know anybody in London. And they also didn't have the money to fly from New York to, at that time actually they were from in Montreal. They went to Montreal to see Srila Prabhupada and from there they flew. They didn't have the money to go to London because flying London would have costed more. But there are some cheap flights those days to Amsterdam. तो वो वहाँ से फिर मॉन्ट्रियल से वो लोग गए लंदन, लेकिन उनके पास फ्लाइट का पैसा भी ठीक से नहीं था, इसलिए उस समय में, उस जमाने में मॉन्ट्रियल से एम्स्टर्डम जाने के लिए सस्ता फ्लाइट रहता था, तो उन्होंने उसका स्वीकार किया। Actually, it was not really Amsterdam. It was anyway another airport. I forgot the name. Anyway, so from there they came to Amsterdam to go across the channel to go to London. तो वो एम्स्टर्डम नहीं था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या कौन सा एयरपोर्ट था, लेकिन वहां से वो एम्स्टर्डम आए और एम्स्टर्डम से उन्हें वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके इंग्लैंड जाना था, लंदन जाना था। But when they came there, they found that in order to enter into UK, although they don't need any visa, but they have to show certain amount of money. But they didn't have enough money for six of them to go there. तो वहां से वो जब लंदन जा रहे थे तब उन्हें एक बात समझ में आई
कि लंदन में प्रवेश करने के लिए हालांकि वीजा की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ धन राशि की जरूरत थी जो आपको लंदन में प्रवेश करने के लिए जरूरी था, लेकिन उनके पास उतनी धनराशि नहीं थी कि वो 6 लोग अंदर जा सके। So what did they do? They got all their money together. One couple went to London and then sent the money back to Amsterdam for the second couple to go. And in this way, three couples went to London. तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक दाम्पत्य लंदन में प्रवेश किया, जो भी उनका सब तीनों का मिलके जो पैसा था उससे एक दाम्पत्य अंदर गए, उन्होंने फिर से वह पैसा एम्स्टरडेम में भेज दिया, उसके कारण दूसरा दाम्पत्य, और ऐसा करके तीनों के तीनों दाम्पत्य 6 के 6 लोग अंदर चले गए। They didn't know anybody. And the way they went, they didn't have the money to even stay in a hotel. So they befriended some Indians from East Africa. So they were staying with them. They were just immigrants due to Idi Amin's onslaught. Many Indians went to London from Uganda and Kenya. So anyway, they were staying with them. तो उन्हें कोई वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ भारतीय लोग थे, कुछ अफ्रीका के लोग थे, तो ऐसे करके उनके साथ वो रहने लगे। But those families that they were staying with, even they were not interested about listening to them. Who would want to listen about Indian philosophy, Vedic wisdom from a group of young Americans? तो वहाँ के जो लोग थे, जो भारतीय थे, वो इनसे कुछ सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीय देश की परंपरा तरुण अमेरिकन युवक युवतियों से कौन सुनना चाहेगा? At least the Indians would have been the last one to listen to them. Because general tendency of the Indians is that I know everything. क्योंकि खास करके भारतीय लोग तो सबसे अंत में थे उनका कुछ सुनने के लिए, क्योंकि भारतीय लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, मुझे सब कुछ पता है। What do we have to learn? Maybe you should learn from me. But they didn't realize the wisdom that they received from Srila Prabhupada. लेकिन वास्तविक रूप में उन भारतीयों को ये पता नहीं था कि ये जो 3-6 लोग हैं, इनको श्रील प्रभुपाद से ज्ञान प्राप्त हुआ है। And then they met George Harrison, one of the 4 Beatles. The Beatles were the most prominent music group in the world at that time. The whole world, the youth of whole world was vibrant with the Beatle music. And so those days, actually they were struggling, these 6 devotees, three boys and 3 girls, their wives. They were struggling to spread Krishna consciousness. तो वहाँ पे वो जाके प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, 3 युवक और 3 उनकी पत्नियां, ऐसा करके 6 लोग का, उन्हें बहुत संघर्ष चल रहा था। उसी समय वो बीटल्स ग्रुप, जो कि बहुत विख्यात और मशहूर ग्रुप था, पूरे दुनिया को उनके म्यूजिक से उन्होंने हिला के रखा था, तो ऐसा ग्रुप उन्हें मिला और उसके जो मुख्य थे जॉर्ज हैरिसन, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। But no response. The one day they saw the picture of the Beatles wearing Indian clothes. The Beatles actually became attracted to Ravi Shankar's music, sitar, and Mahesh Jogi's yoga. तो उन्होंने एक दिन बीटल्स का फोटो देखा जब वो भारतीय पोशाक में थे। वास्तविक रूप में बीटल्स का ग्रुप जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित था, खास करके रवि शंकर जी की सितार और योगी जी का योगा। So they came to India to learn yoga from Mahesh Jogi in Rishikesh, and they were also learning sitar from Ravi Shankar. तो इसलिए वो भारत में आए थे ऋषिकेश में महेश योगी से योगा सीखने के लिए और रवि शंकर जी से सितार सीखने के लिए। So when they went back, they were actually sometimes wearing Indian dress, kurta pajama. इसलिए जब वो वापस चले गए तब वो भारतीय पोशाक पहनते थे, कुर्ता पैजामा। Not dhoti. Dhoti नहीं, kurta pajama. So they got the idea. Why don't you approach the Beatles? Beatles are receptive to Indian thing. They already went to India to learn yoga. So we can probably teach them. तब उन्हें इस बात का ये हुआ कि अभी हम बीटल्स के पास क्यों न जाए? पहले से बीटल्स को भारतीय संस्कृति प्रति आकर्षण निर्माण हुआ है, तो हम उनको ही समझा सकते हैं। I'm just narrating this just to point out that how Krishna actually is making all the arrangements.
for this movement to spread. वास्तव में ये सब आपको कथन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैसे भगवान एक योजना बनाते हैं इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए, ये मैं समझा रहा हूँ. So they wanted to go to, but to meet the Beatles those days was very difficult because they were so prominent, they're so important, they're so famous. It's very difficult. So they were wondering how to get an audience with the Beatles. तो वो चाहते थे बीटल्स को मिलने के, लेकिन उन दिनों में बीटल्स को मिलना इतना कठिन था. वो सोच रहे थे क्या करना चाहिए. Then one of the devotees, Shyam Sundar Prabhu, met one of his acquaintances from San Francisco. He was the manager of a rock group, rock music group called the Grateful Dead. तब श्याम सुंदर प्रभु ने अपने एक मित्र थे, Grateful Dead ऐसा उनका ग्रुप था, उसके जो एक रॉक स्टार थे उनके साथ संबंध मिलाकर कुछ एक योजना बनाई. His name was Rock Scally. So Shyam Sundar Prabhu met Rock Scally, and when he asked, "Hey, Rock Scally, what are you doing here?" He said, "I came to meet the Beatles, to sign some contract with them on behalf of Grateful Dead." तो वास्तविक रूप में वो रॉक स्कैली जो था वो श्याम सुंदर प्रभु को वहां पे लंदन में मिला और वो पूछने लगा, रहे आप यहाँ कैसे आ गए? तब उन्होंने बताया कि मैं बीटल्स के साथ कुछ व्यवहार करने आया हूँ. So, Shyam Sundar asked, "Can you please introduce me to the Beatles?" He said, "Yeah, sure, I'll do that. You come on such and such day to Apple Studio, and I'll introduce you." फिर श्याम सुंदर प्रभु ने उनको पूछा, क्या आप मेरा मुलाकात करवा देंगे बीटल्स के साथ? तब उन्होंने बोला, हाँ, आप ये समय पे एप्पल स्टूडियो पे आ जाइए, मैं आपका मुलाकात करवा दूंगा. So Shyam Sundar goes there to the studio, but the gatekeeper, the door, the guard, won't let him in. Asked him, "Do you have an appointment?" He said, "Yes, I have an appointment at such and such with Rock Scally. I have come here." So he said, "Look, I don't have any such appointment here." तो जब श्याम सुंदर को एप्पल स्टूडियो पे पहुंचे तब रास्ते पे उनको गेट पे उनको रोका गया और पूछा गया कि आपके पास अपॉइंटमेंट है बीटल्स के साथ मिलने का? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ है, मैं रॉक स्कैली के साथ बीटल्स को मिलने वाला हूँ. तब उस आदमी ने कहा, नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं. So he wouldn't let him. So Shyam Sundar was, he was dressed in dhoti and kurta, Indian dress. So probably the gatekeeper was not very impressed. क्योंकि वास्तविक रूप में श्याम सुंदर प्रभु धोती कुर्ता में थे, तो जो गेट कीपर था वो देख के उसको कुछ अच्छा नहीं लगा. So he was, he wouldn't let him in. But at that time, one of the Beatles' name is John Lennon. John Lennon was married to a Japanese lady called Yoko Ono. So Yoko Ono just arrived there, and she, while she was going in, she saw Shyam Sundar Prabhu dressed in dhoti and kurta, American, but dressed in dhoti and kurta. So she says, "Oh, you must be a friend of John." And Shyam Sundar says, "Yes, yes." तो उस समय ऐसा हुआ कि जो जॉन लेनन एक जो बीटल्स का व्यक्ति था, उनकी पत्नी जापानीज थी, योको ओनो, और वो वहीं से अंदर जा रहे थे एप्पल स्टूडियो के अंदर. तब उन्होंने ये अमेरिकन व्यक्ति श्याम सुंदर प्रभु को देखा धोती कुर्ता में पहने हुए, और उन्होंने उनको देखकर पूछा, अरे शायद आप जॉन के मित्र होंगे. तब श्याम सुंदर प्रभु ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं जॉन का मित्र हूँ. So Yoko Ono says, "Come on in." So he goes there, he's inside and waiting for Rock Scully to come. And in the meantime, George Harrison, one of the Beatles, those Beatles are four: George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, and Ringo Starr. तो ऐसा करके फिर वो श्याम सुंदर को अंदर गया और रॉक स्केली का इंतजार कर रहे थे. तो उसी समय बीटल्स का एक, बीटल ग्रुप का एक दूसरा व्यक्ति जॉर्ज हैरिसन वहां पे आया. तो बीटल्स के चार प्रमुख व्यक्ति थे, जॉर्ज हैरिसन, जॉन और दो नाम थे बताए जो महाराज जी. सो जॉर्ज हैरिसन जस्ट कम्स आउट फ्रॉम हिज चेंबर एंड ही सीज श्याम सुंदर प्रभु सिटिंग देयर एंड ही गोज टू हिम एंड सेज, "हे, वेयर यू बीन ऑल दिस व्हाइल? आई सॉ योर गाइस इन सैन फ्रांसिस्को. But since then, I've been trying to find you, but I couldn't find you anywhere." तो उसी समय जॉर्ज हैरिसन वहाँ पे गए और उन्होंने देखा श्याम सुंदर को बैठे हुए थे वेटिंग रूम में. तो उन्होंने जाके उनको बोला, "अरे आप लोग कहाँ थे? मैं सैन फ्रांसिस्को में आपको देखा था
और तब से मैं ढूंढ रहा था आप कहाँ हो कहाँ हो। So John George Harrison saw the devotees chanting in the streets of San Francisco Hare Krishna, and he was so impressed that he wanted to contact these devotees. But now when he sees Shyam Sundar Prabhu, he is just thrilled. तो वास्तविक रूप में जब जॉर्ज हैरिसन ने सैन फ्रांसिस्को में भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा था, उसी समय उनको उनसे मिलना था, लेकिन उनको कुछ अता पता मिला नहीं, और अभी भगवान की विशेष कृपा से यहाँ श्याम सुंदर प्रभु उनके सामने खड़े थे। And that's how it all started. See, Shyam Sundar Prabhu meeting Roxkali. John Lennon's wife Yoko Ono sees him, takes him inside, and George Harrison comes and says, "Hey, where you guys been all this while?" And that was the beginning. तो देखिए कैसा पहले श्याम सुंदर प्रभु का रॉक्सकैली के साथ मिलना, उसके बाद वो योको होना आकर उनको अंदर लेके जाना, और तत्पश्चात जॉर्ज हैरिसन आकर कहना कि अरे कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आप कहाँ थे। इससे हम देखते हैं कि वहाँ पे शुरुआत हो गई। जॉर्ज हैरिसन इनवाइटेड देम टू हिज हाउस एंड दे स्टार्टेड टू टेल हिम अबाउट श्रील प्रभुपाद, हिज टीचिंग्स, एंड दे गिव जॉर्ज हैरिसन द टेस्ट ऑफ इंडियन फूड। तब जॉर्ज हैरिसन ने उनको उनके घर में बुलाया सभी भक्तों को, और वो सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे, और उन सब ने मिल के जॉर्ज हैरिसन को भारतीय पद्धति के खाने का उनको रुचि दिया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने श्रील प्रभुपाद से सीख लिया था किस प्रकार से खाना पकाना चाहिए भारतीय पद्धति से। And you know what George Harrison did? George Harrison made a record called My Sweet Lord with Hare Krishna Mahamantra in it, singing, glorifying the Supreme Personality of Godhead. और उसके बाद क्या हुआ? तो जॉर्ज हैरिसन ने माई स्वीट लॉर्ड नाम का रिकॉर्ड बनाया, उसके साथ हरे कृष्ण कीर्तन भी रखा, इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया। I really want to see you. I really want to be with you, my Lord. वो गाने के गीत थे कि हे भगवान, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। And that album went all over the world, and Hare Krishna movement became known all over the world. और उस एल्बम की प्रसिद्धि पूरे जग में हुई, और इसके द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार पूरे जग में हुआ। I'll tell you, at that time, in 71, I think it was 70 or 71, I was in Germany, and I had an American friend, Bill McCabe. And Bill, during the summer vacation, he went home. And when he came back, he had a gift for me. तो उस समय 1970-71 में मैं जर्मनी में रहता था, और उसके साथ मेरे साथ एक बिल मैकेब नाम का एक मेरा अमेरिकन मित्र था, और जब वो मेरा मित्र अमेरिका घर जाकर वापस लौटा था जर्मनी, तब वो मेरे लिए एक भेंट लेकर आया था। A cassette. Those days there were no CDs and etc. Cassettes were the thing that, and that was My Sweet Lord. और उसने मेरे लिए कैसेट लाया था भेंट में। वो कैसेट कौन सा था? My Sweet Lord, जॉर्ज हैरिसन का। George had the Beatles singing My Sweet Lord, and he thought it's because it has the Indian music in it, then I would like it. उसने सोचा कि क्योंकि इसमें भारतीय म्यूजिक है, तो इसलिए शायद मुझे ये अच्छा लगेगा। And in a way, I also had the experience how famous that album became all over the world. और मैंने भी देखा उस समय कि कितना वो एल्बम प्रसिद्ध हुआ था पूरे जग में। So then, let's consider George Harrison's contributions. Srila Prabhupada translated the 10th canto of Srimad Bhagavatam in Krishna book. तो जॉर्ज हैरिसन का हम योगदान अभी देखेंगे। वास्तविक रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद भागवतम का कृष्ण बुक नाम से लिखा था। George Harrison sponsored the printing of the Krishna book. George Harrison ने पूरे ग्रंथ का पब्लिशिंग का प्रिंटिंग का खर्चा दिए। In three volumes, this book was printed in the
बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जापान। उस समय वो तीन खंड में इसका प्रकाशन हुआ था और भारत दुनिया की सबसे अच्छी प्रिंटिंग प्रेस जापान में उसका प्रिंटिंग हुआ था। कोदाई निप्पन एंड इट वाज अ दोस डेज यू कैन इमेजिन लाइक व्हेन अ मूवमेंट वाज सो यंग टू हैव सच अ गॉर्जियस पब्लिकेशन ब्यूटीफुल अबाउट दिस बिग हार्ड बाउंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो उन दिनों में जब कृष्ण भावनाओं का आंदोलन काफी नया था, ऐसे समय पर इतना अच्छा किताब का प्रकाशन होना ये बहुत बड़ी बात थी। Then George Harrison bought one property in London, North London. How many of you are from London here? Okay, so you all are familiar with that, and that is our Bhakti Vedanta Manor. उसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने एक बड़ा मकान खरीदा था जो लंदन से थोड़ी ही दूरी पर था, तो वो मकान भी अभी भक्ति वेदांत मैनर बन चुका है। That was actually given by George Harrison. It's a beautiful property. That time, that property had 17 acres of land. But today, we have about 100 acres of land in that property. तो जॉर्ज हैरिसन ने उस प्रॉपर्टी का दान किया था जिसको भक्ति वेदांत मैनर के नाम से अभी जाना जाता है। उस समय वो 17 एकड़ था और अभी वो 100 एकड़ बन चुका है। So this is how Krishna actually been making these arrangements. Krishna had been arranging through different individuals for this movement to grow. तो इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण अलग अलग प्रकार से योजना कर रहे थे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। And so many famous people became attracted. Like one of the first ones actually was the Beatles. और बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को ये आकर्षित कर रहा था। सबसे पहले थे बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन। He had a big mansion in London, and he invited Prabhupada to stay in his mansion, in his house. जॉन लेनन ने भी अपना जो बहुत बड़ा मकान था उधर प्रभुपाद को आमंत्रित किया था रहने के लिए। Prabhupada stayed there. They were very, very much affected by Srila Prabhupada's teachings. And then we can see that. तो प्रभुपाद वहाँ पे रुके थे और प्रभुपाद के इस प्रकार का जो प्रचार था उससे वो काफी प्रभावित हो चुके थे। In just 4-5 years time, literally this movement spread all over the world. Literally all over the world. और उसके बाद 4-5 सालों में ही इस आंदोलन का पूरे जग में प्रचार हो गया। In Europe, from London, went to France, Switzerland, Germany, Sweden, Denmark, Norway, Austria, just started to spread everywhere in Europe. Then it went to Australia. फिर यूरोप में अलग अलग देशों में प्रचार हुआ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चला गया। Hundreds of devotees became attracted to Srila Prabhupada's teachings. A very beautiful book has been written by one of my godbrothers in Australia, Kurma Prabhu. Beautifully described how Hare Krishna movement spread in Australia. और सैकड़ों भक्त बन गए वहां पे श्रील प्रभुपाद के इस वाणी के प्रति आकर्षित होकर। और कूर्म प्रभु जो ऑस्ट्रेलिया के है मेरे गुरु बंधु, उन्होंने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है कैसे वहां पे प्रचार हुआ। And it was the youth who actually came forward to support this movement, spread this movement, and became an integral part of the movement, offering themselves completely. तो जो युवक थे वो ज्यादा करके आकर्षित हो रहे थे इस आंदोलन के प्रति और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रहे थे। Into this mission. So, America, Europe, Australia, will India be left out? No. Srila Prabhupada came to India. फिर देखते हैं हम अमेरिका, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो क्या भारत छूट जाएगा? नहीं, उसके बाद प्रभुपाद भारत आए। And it created a sensation. Like it was a big thing to see the American Vaishnavas
तो उसे एक बहुत बड़ा भारत में न्यूज़ बन गया, क्योंकि अमेरिकन वैष्णवों को देखना ये कुछ साधारण बात नहीं थी उस समय में। अमेरिकन वैष्णवज एंड यू नो वेयर आवर मूवमेंट दोज डेज गॉट अ इनॉर्मस रिसेप्शन. और क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा हमारा आंदोलन का स्वीकार किया गया? You'll be happy to know it was in Surat. आपको सुनने में खुशी होगी, वो सूरत में था। The other day I was watching a video. It was an amazing sight. The devotees were chanting and people were just going wild. They were throwing flowers from their houses, balconies. People were not only on the streets, they were on the balconies, they were on the roof, just watching the Western devotees chanting. And Prabhupada used to call that his Western devotees as a dancing, his dancing white elephants. तो मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था सूरत का, जहाँ प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे और सभी वैष्णव, अमेरिकन वैष्णव जा रहे थे रास्ते पे। सूरत के लोग बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर रहे थे, फूलों की माला डाल रहे थे, ऊपर से फूल बरसा रहे थे। और शिला प्रभुपाद कहते थे, मेरे ये शिष्य यानी कि सफेद हाथी के समान है। Prabhupada explained, actually in India, no one was interested in spiritual life, but at least they became interested to see these Americans. क्योंकि भारत में वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई रुचि नहीं रख रहा था, लेकिन एटलीस्ट इन वैष्णवों को देखने के लिए सब लोग रुचि रखते थे। And many of them became attracted. Oh, the Americans are accepting it, so we must also accept it. पर बहुत सारे स्वीकार करने लगे, सोचने लगे कि अमेरिकन इसका स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी स्वीकार करें। If the Americans accept it, there must be something in it. तो सोच रहे थे कि अगर अमेरिकन इसको स्वीकार रहेगा कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। Actually, this is an interesting thing to know. I was about to say unfortunate thing, but I was an unfortunate, interesting thing to know that all the Indian commodities have to come from the West. Then only Indians give the recognition. तो वास्तविक रूप में जब भी भारतीय कुछ वस्तु हो, वो जब अमेरिका से आती है इंपोर्ट होके, तो उसको बड़ा महत्व दिया जाता है। Indian things when it has an European or American stamp, oh, जरूर अच्छा होगा. तो कोई भी भारतीय वस्तु हो, उसके ऊपर अगर अमेरिकन या यूरोप का स्टैम्प लगा हो, तो हम कहते हैं हाँ ये अच्छा होगा। So that Krishna consciousness movement, because it got the American appeal, naturally got some appeal in India. तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी अमेरिकन लोगों ने स्वीकार किया था, तो इसलिए भारतीय लोग उसको स्वीकार कर रहे थे। But to tell you frankly, not many Indians actually joined those days. The Indian business people and others were giving support, but they were becoming life members, but not full-time devotees. लेकिन इसके इसके बावजूद भी भारत में जो व्यापारी लोग थे, वो लाइफ मेंबर तो बन रहे थे, लेकिन पूरी तरह समर्पित लोग होने वाले लोग बहुत ही कम थे। Anyway, so that is how India also, then Malaysia, Singapore, all the other parts got the res gave the response. तो इसके साथ साथ भारत के बाद मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे से भी अच्छा उत्तर मिला। Now which continent is left? Africa. अभी कौन सा बचता है? तो अफ्रीका। And you know what happened? There was a young American boy. He was 19 years old, just out of school, and he became attracted to Srila Prabhupada. And in Mayapur, he was in 64, he was seeing that all these very big, powerful leaders are surrounding Srila Prabhupada. And Prabhupada gave recognition to those who achieved something for him, who in spreading Krishna consciousness. तो एक तरुण अमेरिकन युवक था, 19 साल का, जस्ट अपना स्कूल खत्म किया था और मायापुर में था। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी सभी भक्तों ने जो भी योगदान किया है उसका सराहना कर रहे थे। So he was thinking that how can I impress Srila Prabhupada so that I also can be like them. तो वो सोच रहे थे कि मैं श्रील प्रभुपाद को किस प्रकार से प्रसन्न करूं ताकि मुझे भी प्रभुपाद कुछ सराहना करे, Be with him, be around him. ताकि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ ज्यादा समय भी बिता सकूं। And he was looking at the map and he was thinking all possible places have been taken over. और वो पूरे जग का मैप नकाशा खोलकर देख रहे थे और सोच रहे थे, अरे सब जगह तो प्रचार हो चुका है।
Then he noticed that one place, South Africa. South Africa, because South Africa is actually European. It's part of Africa, but it's actually like Europe. So he decided to go to South Africa. तो उसने सोचा कि अरे साउथ अफ्रीका में अभी तक कोई गया नहीं. साउथ अफ्रीका जो भाग है वो भले अफ्रीका भाग अफ्रीका का भाग है लेकिन वो यूरोपियन लोगों की ही कॉलोनी है तो उधर कोई गया नहीं था. So he went to Srila Prabhupada and Prabhupada, I want nothing is happening in Africa. I want to go to Africa and preach there. Prabhupada was very happy to see his spirit. So Prabhupada said, fine. Yes, you go there. And Prabhupada asked another devotee to join him. तो वो जाके श्री प्रभुपाद से कहे कि प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में अभी तक कुछ प्रचार नहीं हुआ है तो मेरी इच्छा है कि वहां जाके प्रचार करना चाहिए. तो प्रभुपाद ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक और भक्त उनके साथ जोड़ दिए. So together they went. Now see another, you know, intervention by Krishna. They also didn't know anybody. They're going to South Africa. And in the flight, there was one Indian gentleman. तो ये दोनों का जाना तय हो गया लेकिन देखिए भगवान की कैसी योजना है. वो भी अफ्रीका जा रहे थे उनको कोई पता नहीं था वहां पे लेकिन जब फ्लाइट में जा रहे थे एक भारतीय व्यक्ति मिला. एंड दे स्टार्टेड टू टॉक एंड दैट इंडियन जेंटलमैन टर्नड आउट टू बी अ ज्वेलर अ गुजराती ज्वेलर फ्रॉम डर्बन एंड ही सेड ओके यू कम यू स्टे एट माय प्लेस. और वो जो भारतीय व्यक्ति था उनको वो सब बताने लगे और वो जो भारतीय व्यक्ति जो था वो जवारी था और गुजराती जवारी और वो डर्बन में रहता था. तो वो बोला कि ठीक है आप मेरे घर पे आकर रहिए. And he introduced them to all the other important Indians. Then Prabhupada went to South Africa. And this is how it started to grow in South Africa. फिर उन्होंने बाकी भारतीय लोगों के साथ उनका परिचय करवा दिया और उसके बाद श्रील प्रभुपाद भी साउथ अफ्रीका गए और इस प्रकार साउथ अफ्रीका में भी प्रचार हुआ. And our movement is extremely well received in South Africa. And how long did it take for all this to happen? About 9 to 10 years. और हमारे इस आंदोलन को साउथ अफ्रीका में भी अच्छी तरह से लोगों ने सराहना किया स्वीकार किया. और ये सब होने के लिए कितना समय लगा? 8 से 9 साल. Krishna consciousness movement spread. And it's in Africa, it's not only South Africa, in East Africa, eastern part of Africa, it was Uganda and Kenya, mainly in Kenya, got a big response. Because there were large Indian, wherever there's a large Indian community, there had been a very, very wonderful response. तो केवल साउथ अफ्रीका नहीं, ईस्ट अफ्रीका में युगांडा, केन्या ऐसे देशों में भी स्वीकार किया गया, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग भी थे और वो स्वीकार कर रहे थे. So this is how this movement actually spread, and when we go deep into it, then we can see. What an amazing happening, like the way it happened. Srila Prabhupada going there at the age of 70 with no money, no resources. The only source of income that Prabhupada had there was 3 volumes of Srimad Bhagavatam. So, हम देख जब ये सब सुनते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी अकेले वहाँ पे गए बिना कुछ पैसे के बिना कुछ सहारा के. उनका केवल धन कमाने का एक ही साधन था वो थे उनके श्रीमद् भागवतम के 3 खंड जिनका वो वितरण करके पैसा जमा कर रहे थे. Printed first, second and the first canto of Srimad Bhagavatam in 3 volumes, Prabhupada printed and took them there. And he used to go out and distribute that book, those books. But initially, that's how actually Prabhupada was maintaining himself. And briefly, I mentioned the other day also to you all that I think it was yesterday. I was telling that sometimes, although Srila Prabhupada was so humble, sometimes it looked like Prabhupada also was so proud. तो हालांकि मैं आपको कल बता रहा था कि प्रभुपाद वास्तविक रूप में हमेशा नम्र भाव में रहते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वो गर्वित है या गर्व कर रहे हैं. So quite arrogant in a way, and I was giving the example. एक दृष्टि से बहुत क्रोधित होते थे ऐसा. I was sitting at Srila Prabhupada in his quarters in Bombay, Juhu, facing the temple, just sitting there. And Prabhupada just told me, "I'm the richest man in this world." तो मैं जुहू मंदिर में बैठा था
वहां पे श्रील प्रभुपाद जी के सामने, तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूँ। So see, he goes to America, penniless, in 65, and in 77, he is telling me that he is the richest man in the world. तो वास्तविक रूप में वो 1965 में अमेरिका जाते हाथ में एक भी दमड़ी न लेते हुए, और 77 में वो मुझे कहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। And he indeed he was the richest man. लेकिन वास्तविक रूप में वह सबसे अमीर आदमी थे ही, धनवान आदमी थे। He has 10,000 followers. Who has 10,000 followers? उनके 10,000 शिष्य थे। किनके 10,000 शिष्य है? The wealth is not only in money. The wealth is in individual's commitment. धन केवल पैसों में नहीं है, लेकिन धन व्यक्ति के आत्मसमर्पण में भी है। And of course, Srila Prabhupada had wealth. Like so many temples already was built. The Bombay Temple was a landmark. It's a beautiful piece of architectural achievement. और उसके साथ साथ प्रभुपाद का धन में ये भी था कि उनके साथ बहुत सारे मंदिर थे, खास करके जुहू का मंदिर तो एक रत्न के समान ही था। बॉम्बे, वृंदावन, मायापुर, हैदराबाद, सो इन इंडिया और ऑलरेडी प्रभुपाद हैड ऑलरेडी 5-6 टेंपल्स एंड सो मेनी सेंटर्स। तो वृंदावन, मुंबई, मायापुर, हैदराबाद, तो श्रील प्रभुपाद के पास भारत में ही बहुत सारे सेंटर भी थे। And what to speak of more than, at least those days, more than 30 temples in America. और उन दिनों में अमेरिका में 30 से भी ज्यादा मंदिर थे। And big temples. We are buying up the churches and turning them into temples. बड़े-बड़े मंदिर थे। हम चर्च खरीदते थे और उनको मंदिर बना देते थे। How many of you been to Toronto? आप में से कितने लोग टोरंटो जाके आए हैं? So you have seen our temple there. Like it's in the one of the most prominent streets. तो वहाँ पे आपने मंदिर देखा होगा, सबसे महत्वपूर्ण जगह पे वो है। In Canada, in Toronto, and right there we have this beautiful marble, beautiful stone building. और वो पत्थर की बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग है। Which used to be a church at one time. जो पहले चर्च हुआ करता था। So this is how this movement spread, and how can such a thing happen without the blessings and mercy of the Supreme Personality of Godhead? तो इस प्रकार से इस आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ, और ये भगवान की अहैतु की कृपा के बिना कैसे हो सकता है? It is the Supreme Personality of Godhead that makes impossible possible. भगवान ही जो मुमकिन नहीं है उसको मुमकिन बना देते हैं। It has become a reality simply due to his mercy, and it becomes absolutely clear that Krishna sent Srila Prabhupada to fulfill his prediction. और ये भगवान की इच्छा थी, इसीलिए इस प्रकार का प्रचार और प्रसार हुआ, और इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में केवल भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद को इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए ही भेजा था। This Krishna consciousness movement is meant to spread all over the world in every town and village. इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, इसका प्रचार और प्रसार हर नगर और ग्राम में पूरे जग में होने ही वाला है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति चारु स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति चारु स्वामी महाराज व्यास पूजा महा महोत्सव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।